Hey everyone, welcome back to the new episode. I hope you guys are right. So, इस वीडियो में जो टेम्प्ररी टैटू बनाने के लिए यूज़ की गई है ट्रिक, उसको प्लीज़ बच्चे ना दोहराएं घर पे, बिकॉज उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें ब्लेड का यूज़ किया गया है ना, तो कट वगैरह करने का चांसेस हो सकता है, और बड़े भी इसको केयरफुली यूज़ करें. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू ड्रॉ. सो सिंपली आपको एक ब्लेड लेना है जो कि ज़्यादा धारदार ना हो, होपफुली, और केयरफुली काम करना है. सो उसको थोड़ा सा पानी लगा के और अपनी स्किन पर फिक्स करना है, जिससे कि आपको मतलब हिले जुले ना, पानी को इस्तेमाल इस तरीके से करना है थोड़ा थोड़ा, ताकि हिले जुले ना. और सिंपली आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है कोई भी बॉल पेन लेके. ओके, सो नाउ इसकी शेप अच्छे से बन चुकी है, और इसमें मैं हार्ट मतलब कट हार्ट बनाने वाला हूँ. वाला है 3D, लाइक 3D लगने वाला है बिल्कुल. सो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. सो आप देखो, एंजॉय करो वीडियो को, एंड तब तक मैं ड्रॉ करता हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दो. चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे अमेजिंग टैटूज़ आते रहते हैं, हर दिन आते रहते हैं. कभी कभी दो आते हैं, कभी कभी तीन आते हैं, मगर आते ज़रूर हैं. सो आप देखो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को. सो नाउ आई एम यूजिंग रेड पेन, रेड बॉल पेन. सो सिंपली मैं इसको फिल कर दूंगा, एंड ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा टैटू. और लास्ट में हम करेंगे शेडो एंड शेड, जिससे कि 3D वाला लुक आएगा उससे, क्योंकि मेन तो शेडो और शेड ही रहता है 3D में. सो कीप वॉचिंग. तो अभी टाइम है शेडो एंड शेड क्रिएट करने का. सो नाउ आई एम यूजिंग ब्लैक जेल पेन, और सिंपली आपको ऐसे फिल करके और कोई भी ब्रश से आपको शेड कर देना है, मतलब ब्लेंड कर देना है, जिससे कि स्मूथ इफेक्ट आपको मिल जाए और टैटू देखने में अच्छा लगे और अट्रैक्टिव लगे. सो इस तरीके से शेड करना है, ब्लेंड करना है. सो नाउ टैटू इज़ कम्प्लीट. आई होप आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो. ये वीडियो, इस वीडियो में मैं 3 बार हो चुका हूँ लाइक करने के लिए, और ये 4th बार हो गया. सो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.